सामाजिक समरसता दिवस पर मंगलवार को शिमला में सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि समरसता भारत की संस्कृति की ताकत है और इसे समाज में पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। उन्होंने कहा कि समाज में समरसता की अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में समरसता जब जब कम हुई तब तब हम समस्याग्रस्त हुए। राज्यपाल ने कहा कि जब जब देश में समरसता की कमी रही है तो बाहरी ताकतों ने नुकसान पहुंचाया है। देश को एकजुट करने की आवश्यकता है ताकि लोगों में समरसता बनी रहे। ऐसा तभी संभव है जब इस विषय को लेकर समय समय पर चर्चा हो और इससे बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाए। आज के युवा और छात्रों के लिए इस विषय को अलग से पढ़ाई जाने की जरूरत है। और आज के इस विशेष दिवस को समरसता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज का दिवस भी वैसा विशेष है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका महापरिनिर्वाण दिवस पूरे विश्व के लिए पता है कि उनका जीवन क्या था, किसके लिए था और उसी की तरह जिन विषयों के लिए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया वैसे ही सुनील जी उपाध्याय ने भी अपना जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया। ऐसे दोनों महाअनुभव के लिए उनको श्रद्धांजलि भी हम दे रहे हैं, उनका स्मरण भी कर रहे हैं और इस आज के इस दिवस को विशेष रूप से मना रहे हैं। मुझे बताया गया कि पूरे देश भर में लगभग 500 कार्यक्रम आज के दिन हो रहे हैं समरसता इस विषय को लेकर। पूरे समाज में समरसता की आवश्यकता है, जरूरत है, इस विषय को लेकर सबके सामने हम आए हैं। समरसता इस देश की संस्कृति की इतिहास की ताकत है। समरसता जब जब यह समरसता कम हो गई तब तब हम कुछ ना कुछ तकलीफों में आ गए, हमारे सामने अड़चने आ गई। जब हम एक न सके, जब हम समरस थे तब बाहर की कोई भी ताकत हमको हाथ लगाने में सक्षम नहीं थी। इस विषय को इस दृष्टि से हमको देखने की आवश्यकता है कि हमारे बीच समरसता की कमी हुई तब हम कुछ ना कुछ समस्याग्रस्त हो गए। समरसता अगर होती तो यहां बाहर के लोग आ भी नहीं सकते थे। अगर समरसता यहां होती तो हम बाहर के लोगों को आने भी नहीं देते।